दोस्तों गुलाबबाग का एक और दृश्य जहां पर देखिए कितने तरह के झूले लगे हुए हैं, रपस पट्टी लगी हुई है, बच्चों के मनोरंजन के लिए हर एक चीज़ यहां पर उपलब्ध है। आप भी इनका पूरा आनंद लें, तोड़े नहीं, इनको नुकसान न पहुंचाएं, खेल को खेल के तरीके से खेलें। अच्छा बड़ा लंबा चौड़ा मैदान है, तो देखिए कैसे बच्चे यहाँ पर आते हैं, झूले में एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है गुलाबबाग का, और गुलाबबाग में धीरे धीरे विभिन्न जितने भी समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं, वो भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अभी ट्रेन चलाई है और कहते हैं कि 8 करोड़ रुपए की ये ट्रेन की लागत आई है, जिसे 1 रुपया नहीं देना पड़ा है और ठेके पर चली है। इससे निरंतर रूप में हमारे ऊपर भी जोर नहीं पड़ा, सैलानियों पर भी जोर नहीं पड़ेगा, और ये संचालित होती रहेगी और इसका आनंद सभी नगरवासी उठाएंगे। इसी प्रकार से कोई गोद गार्डन ले रखा है, कोई मिराज है, बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने ले रखा है, इसको संरक्षण भी कर रहे हैं, चौकीदार भी। ये नशेड़ियों का अड्डा बनने से अच्छा तो ये है कि इसका संरक्षण होना चाहिए, नहीं तो जब हम पहले आता था तो यहाँ पे ऐसे ऐसे दादे बैठे रहते थे कि यहाँ पर कोई कपल आ गया तो वो बैठ ही नहीं पाता था, वो बेचारा उठ के भागना पड़ता था, उसके साथ कोई हादसा भी हो सकता था, क्योंकि काफ़ी दूर है, यहाँ से दूर जाते जाते उसके साथ कोई घटना भी घट सकती थी। लेकिन अब देखिए बिल्कुल ही अच्छा हो गया है, एकदम अच्छा स्वच्छ और सुंदर परिवेश हो गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर एक अकेली लड़की भी चाहे तो वो भी यहाँ पर आकर आराम से घूम सकती है, एंजॉय कर सकती है, आनंद ले सकती है। एंजॉय आनंद लेना हमारा अधिकार है, और इस अधिकार को सुरक्षा तभी मिलेगी जब हमारे जागरूक लोग अच्छे काम करेंगे, समाज को अच्छी दिशा देंगे, अच्छा वातावरण देंगे, अच्छा प्रोत्साहित देंगे, तब जाके एक अच्छा आदर्श परिवार स्थापित कर सकते हैं। और अभी महापौर जी ने बोल ही दिया है कि अभी बहुत ही जल्दी यहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम भी होने वाला है, पुलिस वाले निरंतर यहाँ घूमते रहेंगे, गश्त करते रहेंगे, और जो भी गलत काम या गलत कृत्य करता पाया गया उसको उठाकर जेल में डालने का काम भी किया जाएगा। ये बहुत बड़ी पहल है। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी नए जोश के साथ। देखते रहिए गुलाबबाग उदयपुर से ये खबर, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप क्या सोचते हैं गुलाबबाग के बारे में, अपने विचार भी इनबॉक्स में ज़रूर बता लें।